तो जो भी हमारे यूजर्स हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक, आज पहली बार हम तीनों प्लेटफॉर्म पे एक साथ आपके लाइव क्वेश्चंस आंसर करेंगे। और एक बहुत स्पेशल मेडिकल कॉलेज का इंफॉर्मेशन आप सबके साथ मैं लेकर के आया हूँ। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे थोड़ा इजी रहेगा आप सबके लिए मेरे इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना, क्योंकि वहाँ पर मैं स्क्रीन भी शेयर करूँगा, और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे आप मेरे से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको हर तरह का इंफॉर्मेशन आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। तो आज का ये सेशन MBBS इन बांग्लादेश, स्पेशली जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज के लिए है। जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज को काफ़ी सालों से माना जाता है फॉरेन स्टूडेंट का फेवरेट डेस्टिनेशन। 1992 में ये कॉलेज बना था, और तब से यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और यहाँ से हजारों की संख्या में डॉक्टर बन के अक्रॉस द ग्लोब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो भी हमारे साथ फेसबुक या बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, मैं सबको बोलूँगा अगर हो सके आपके साथ स्क्रीन शेयर वगैरह मैं फेसबुक पे नहीं कर पा रहा हूँ, बट यूट्यूब पे आकर के आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको वो पूरी डिटेल में मैं जो स्क्रीन में दिखाना चाह रहा हूँ वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। बट वर्बली मैं सब चीज़ को रीड करूँगा, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो वहाँ पर भी आप रह सकते हैं। मेन फोकस होना चाहिए इंफॉर्मेशन को हासिल करना, कॉलेज की पढ़ाई वगैरह इन सब चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके हों तो आप पूछिए, और मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको दिया जा सके अबाउट जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज, क्योंकि वहाँ पर कैसा पढ़ाई है, कैसा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, वी आर ऑथराइज्ड कंसल्टेंट ऑफ जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज। आज जो भी बच्चे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे उन सबको मैं क्लियर बताऊं कि जहुरुल इस्लाम में मेडिकल कॉलेज में कैसा फी स्ट्रक्चर है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सारी चीज़ों का डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को जरूर देखें, और जो भी लाइव है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें या इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो भी लाइव इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं। जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज 1989 में एज ए नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था। वहाँ पर 250 बेड हॉस्पिटल से स्टार्ट हुई थी ये हॉस्पिटल 1989 में, और 1992 से यहाँ पर MBBS के एडमिशन स्टार्ट हुए। यहाँ पर पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज, एक रेसिडेंशियल मेडिकल कॉलेज बना जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज इन द ईयर 1992। इस कॉलेज की सबसे बड़ी खास बात यह है कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर सा कैंपस है। जो भी जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज में रहता है वो एक लाइफ को एक्सपीरियंस करता है, ना कि सिर्फ एजुकेशन। एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पर एक बहुत ही क्या बोलते हैं, नेचर के पास एक लाइफ है, एक कैंपस का। जैसे कई कंट्रीज में बच्चे जाते हैं कैंपस को बहुत पसंद करके चूज करते हैं, तो बांग्लादेश में उनका कंप्लेन रहता है कि सर यहाँ पर तो छोटे से कॉलेज होते हैं, बड़े बिल्डिंग में ही कॉलेज रहता है, कैंपस का लाइफ नहीं आता, तो क्या मज़ा नहीं आता। तो कैंपस लाइफ वाला अगर आपको कॉलेज चाहिए कि कॉलेज के कैंपस के अंदर ही हॉस्टल हो, हॉस्पिटल हो, क्लासरूम हो, गार्डन हो, सुंदर बागीचे वगैरह सब हो, एक जो आपको 5 साल का एक रहने का एक्सपीरियंस भी मिले, साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी हो, तो जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज उन सारे बच्चों का चॉइस बनता है। तो चलिए मैं यूट्यूब पे जो भी सब जुड़े हैं हमारे साथ उन सबको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज के बारे में, और जो इंस्टाग्राम और बाकी जगहों पर जुड़े हैं उन सबको भी मैं बोलूंगा कि आप जरूर जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो चाहिए आपको यहाँ पर देखें, जो अगर आपके क्वेश्चंस हो उसको भी यहाँ पर जरूर पूछ लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज का फी स्ट्रक्चर को लेकर डिस्कस करते हैं। जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज का जो ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर है वो $39,000 है। अगर आप चाहें मैं आप जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं अपना पर्सनल नंबर भी शेयर करता हूँ, 9051773700। इस नंबर पे कॉल करके आप कॉलेज का ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर लेटर हेड पे मांग सकते हैं। जब भी कॉलेज का फी स्ट्रक्चर किसी से भी मांगे आप जरूर कॉलेज के लेटर हेड पे मांगे, क्योंकि फोटोशॉप वगैरह में करके कुछ भी कोई फी स्ट्रक्चर बना देगा, इस तरीके से फी स्ट्रक्चर को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ बहुत सारे कंसल्टेंट्स फी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके बना देते हैं फोटोशॉप पे, बच्चा वहाँ जाता है वहाँ फीस अलग होता है। कई बार कुछ कॉलेज को प्रमोट नहीं करना चाहते हैं तो उस कॉलेज का फीस बढ़ा करके बना देते हैं सबको कंफ्यूज करने के लिए कि भाई इस कॉलेज में तो फीस ज़्यादा है।
तो बट ये सही चीज़ नहीं है। तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि जब भी आप किसी कॉलेज को ट्रस्ट करें, मैंने जब भी आप कॉलेज के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो उसके फीस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, आप कॉलेज के ऑफिशियल लेटर हेड पे फीस स्ट्रक्चर को मांगें और देखें। तो जुरुल इस्लाम का जो ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर है लास्ट ईयर के हिसाब से, अभी इस साल कोई फीस तो बढ़ाई नहीं गई है, तो जो टोटल फीस स्ट्रक्चर है $39,000 इंक्लूडिंग ट्यूशन एंड हॉस्टल, $39,000 है। और फूड वगैरह के लिए आपको अराउंड $50 पर मंथ एक्सपेंसेस करना पड़ता है, वो आपका डे टू डे एक्सपेंसेस का उसमें काउंट किया जाता है। तो $39,000 मतलब अराउंड 29 लाख रुपीज़ का टोटल खर्च है जुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज में। हेलो सपना, आप सब जो भी यूट्यूब लाइव में जुड़े हैं या फिर इंस्टाग्राम में जुड़े हैं या फिर फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, आप अपने सवाल जरूर करें और दिए हुए नंबर पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज करके पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करें। यही मैं बार बार बोलूंगा कि इस नंबर पे कॉल करके अपना पर्सनलाइज काउंसलिंग कराएं। तो फीस स्ट्रक्चर अगर क्लियर हो गई है, फर्स्ट ईयर में टोटल $16,000 के आसपास प्लस आपका $16,200 के आसपास का टोटल फीस है, और फर्स्ट ईयर में आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का $2,000 फीस है, मतलब पहला साल में आपका $18,000 का टोटल खर्चा है, जो कि आता है अराउंड 13.5 लाख के आसपास। ये आपका टोटल फर्स्ट ईयर का खर्च आता है, ठीक है। इसके अलावा हॉस्टल फूड वगैरह का जो खर्च आएगा वो आपका $150 पर मंथ में खाने का खर्च होता है। हॉस्टल वगैरह कॉलेज के कैंपस के अंदर ही है, और इसलिए कॉलेज कैंपस के अंदर होने के कारण वहाँ पर ये इश्यूज नहीं आती कि आपको मतलब अलग से हॉस्टल की फीस देनी पड़ेगी या यूटिलिटी बिल देनी पड़ेगी, ये सब यहाँ पर नहीं है। हर कॉलेज का बांग्लादेश में फीस स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, यही सबसे बड़ा एक रीज़न होता है कि कई लोग कंफ्यूज रहते हैं अबाउट कॉलेज। सर कुछ कॉलेज में फर्स्ट ईयर में 20 लाख देना है, बांग्लादेश में तो हर कॉलेज पहले साल में 15-20 लाख खर्च है, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में ऐसे भी कई कॉलेजेस हैं जहाँ पर 7 लाख में आप एडमिशन ले सकते हैं फर्स्ट ईयर का पूरा खर्च, और जैसे जुरुल इस्लाम में टोटल पहला साल का खर्चा 13.5 लाख रुपये है, वहीं कुछ और कॉलेज है जहाँ पर 22 लाख रुपये भी फर्स्ट ईयर का खर्च है। तो कॉलेज का फीस वैरी करता है, आपको समझना जरूरी है किस कॉलेज में क्या फीस स्ट्रक्चर है और उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो जुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर हमने देख लिया, अराउंड 29 लाख रुपीज़ आता है इंडियन रुपीज़ में, आपका टोटल खर्च 29 लाख इंडियन रुपीज़ के आसपास आता है। और जुरुल इस्लाम का हमने टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड अराउंड 250 हॉस्पिटल बेड है, जो 250 हॉस्पिटल बेड से स्टार्ट किया था, जो कि अभी 500 हॉस्पिटल बेड्स हो चुके हैं, और फ्यूचर में उनका टारगेट है 750 हॉस्पिटल बेड्स के साथ इस कॉलेज को बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को सर्व करना। इस कॉलेज की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये थोड़ा ढाका से दूर है, तो एक बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं सीनिक ब्यूटी बन जाती है ये कॉलेज। यहाँ पर जो भी जाते हैं उस कैंपस से प्यार में पड़ जाते हैं, मतलब वहाँ पर बाकी सारी चीज़ें तो हैं बट ये जो कैंपस लाइफ का मजा है ना ढाका में, ये शायद जुरुल इस्लाम में जैसा है वो वैसा किसी और कॉलेज में आपको नहीं मिलता। वो ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर अवे फ्रॉम ढाका, भागलपुर बोल करके जगह है, इंडिया में भी भागलपुर है जहाँ का आम बहुत फेमस है, बट यहाँ भागलपुर बांग्लादेश का भागलपुर है, और वहाँ का भागलपुर बाजितपुर एरिया में है। ये ढाका से टुवर्ड्स ईस्ट में है, टुवर्ड्स ईस्ट में है, मतलब अगर आप देखें तो आगरतला बॉर्डर के भी आसपास आ जाता है। तो अगर आगरतला से भी इस कॉलेज में जाया जाए तो मेरे ख्याल से 1.5 से 2 घंटा लगेगा आपको आगरतला बॉर्डर से एंटर करके। अभी यहाँ पर 500 बेडेड हॉस्पिटल है और इसको 750 बेडेड हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो एडमिशन कॉलेज का ऑलरेडी ऑन है, ऑलरेडी कम से कम 7 से 8 एप्लीकेशन हमने कॉलेज में भेजे हैं, बट कॉलेज एडमिशन लेटर थोड़े दिनों बाद इशू करेगा। कई सारे बच्चे बार बार फ़ोन करें सर सब कुछ ठीक था, मैं बोला देखिए प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, कॉलेज का एडमिशन लेटर इशू हो रहा है बट थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि कॉलेज के अभी फाइनल ईयर के बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसके कारण बच्चे अभी एग्ज़ाम कॉलेज के सारे ऑथोरिटी अभी एग्ज़ाम में बिजी हैं, जिस कारण अभी वहाँ पर और दूसरे चीज़ों पे फोकस नहीं की जा रही है। नए बच्चों का एडमिशन लेटर जैसे ही वहाँ का लोकल एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा एडमिशन लेटर इशू हो जाएगा, बट सब धीरे धीरे करके कॉलेज में जा रहे हैं, तो इस चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपके का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ अपने यूट्यूब के चैनल पर कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम में भी कमेंट करके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो तो मैं अगले पॉइंट्स पे बढ़ता हूँ। तो
और भी बहुत ही मेजर क्वेश्चन आते हैं कि भाई सर ये कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है। तो कॉलेज का हॉस्टल फैसिलिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि कॉलेज थोड़ा सा ढाका से दूर है, और मैं आपको हमेशा बताता हूँ जो भी कॉलेज थोड़ा ढाका से बाहर होता है वहाँ पर हॉस्टल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी घट जाती है और लैंड इज एडिक्वेटली अवेलेबल। तो हॉस्टल काफ़ी बड़ा, बहुत ही सुंदर सा गार्डन है, बहुत ही बड़ा एक लेक है, सब कॉलेज कैंपस के अंदर है, और जिसको बहुत ही अच्छे से बच्चे वहाँ पर रहते हैं, और जो भी वहाँ पर रहता है वो वहाँ का लाइफ वो 5 साल जीवन भर नहीं भूल पाता। ये एक बहुत ही यूनिक बात है जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज की। इसके अलावा जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज के कुछ पॉइंट्स पे आते हैं, डिस्कस करते हैं। वहाँ पर कॉलेज के हॉस्पिटल जो है बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, और आसपास के भागलपुर और बाजितपुर एरिया के जितने भी पेशेंट्स हैं वो इस कॉलेज के कैंपस कॉलेज में हॉस्पिटल में आते हैं। ऑलमोस्ट जो टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ फैकल्टीज यहाँ पर अराउंड 140, एग्जैक्ट नंबर मैं आपको एक सेकंड बता दूँ, 142 फुल टाइम फैकल्टीज है। फैकल्टीज ऑलमोस्ट मैं आपके स्क्रीन पे भी थोड़ा शेयर कर देता हूँ, जो लोग एटलीस्ट यूट्यूब पे हैं उनको मैं स्क्रीन शेयर करके भी दिखा देता हूँ, और अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म में हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आ सकते हैं, नहीं तो अभी आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्वेश्चंस वगैरह करें, और बाद में यूट्यूब में इस वीडियो को पूरा डिटेल में भी देख सकते हैं। ये पहली बार है कि हम तीनों प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे एक साथ लाइव हुए हैं, और मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आज इस वीडियो में जुड़ें, और हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करके रखें, और जो भी आपके क्वेश्चन हो ज़रूर पूछ लें, ठीक है। तो ये है लिस्ट ऑफ जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज के टीचर्स का, जहाँ एनाटॉमी के प्रोफेसर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है प्रोफेसर दीपाली रानी पाल, वहाँ के HOD हैं, और फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो HOD हैं मोहम्मद उमर अली, ऑलमोस्ट 8 फैकल्टीज इन फिजियोलॉजी, 7 फैकल्टीज इन बायोकेमिस्ट्री, 6 फैकल्टीज इन कम्युनिटी मेडिसिन, 5 फैकल्टीज इन फॉरेंसिक, 6 इन फार्माकोलॉजी, 6 इन पैथोलॉजी, 6 इन माइक्रोबायोलॉजी, ऑलमोस्ट 12 फैकल्टीज इन मेडिसिन डिपार्टमेंट, ऑलमोस्ट 14 फैकल्टीज इन सर्जरी डिपार्टमेंट, ऑलमोस्ट 13 फैकल्टी इन ऑप्स एंड गाइनी, ऑलमोस्ट कई सर एग्जैक्ट नंबर ही बता रहा हूँ, सारे टीचर्स के नाम आप इस सारे स्क्रीन पे, अगर यूट्यूब पे आप हैं तो स्क्रीन पे देख सकते हैं। दीज आर द फैकल्टीज जो 142 फुल टाइम फैकल्टीज हैं, दो को छोड़ के डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट है, दो BDS हैं, ये टोटल 140 के आसपास जो फैकल्टीज हैं यही आपको बनाते हैं अच्छा डॉक्टर। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छा फैकल्टी होना बहुत जरूरी है आपके कॉलेज का। जब अच्छा फैकल्टी रहेगा वही आपको एक अच्छा डॉक्टर बना सकता है। तो होपफुली ये चीज़ें क्लियर हो गई है। अगर फैकल्टी से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो, जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज पे बार बार मुझे रिक्वेस्ट किया गया था कि सर जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज पे एक वीडियो बनाइए, तो आज आप सबके रिक्वेस्ट पे, पब्लिक डिमांड पे, आज जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज का मैं बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और आपके लाइव क्वेश्चन को अटेंड करना चाहता हूँ, जो भी जिनका क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। टोटल फीस स्ट्रक्चर को लेकर बार बार क्वेश्चन होती है, जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज में टोटल फीस रहना खाना सब कुछ लेकर के 33 लाख के अंदर कंप्लीट करना पॉसिबल है। टोटल ट्यूशन एंड हॉस्टल फीस अराउंड 29 लाख के आसपास आती है, और 2 to 3 lakhs आप खाने का और बाकी मिसलेनियस एक्सपेंस जोड़ सकते हैं। कंपेयर टू मेनी कंट्रीज जहाँ पर रहने खाने का भी खर्च अराउंड 15 to 20 lakh हो जाता है, बांग्लादेश में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ऐसा नहीं है। रहने खाने का खर्च ज़्यादा से ज़्यादा, खाने का तो खर्च 2 to 3 lakh रुपये है, आपका 5 साल का खाने का खर्च काफ़ी है, अराउंड 3 to 4 thousand पर मंथ यही खर्च आती है। वहाँ पर खाना बहुत ही सब्सिडाइज है, चीप है। अगर आप सेल्फ कुकिंग का सोच रहे हैं तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेल्फ कुकिंग वैसी कंट्री में जरूरत पड़ती है जहाँ का फूड इंडिया से मैच नहीं करता और आपका पैलेट उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा, बट बांग्लादेश में ऐसा किसी भी कॉलेज में पॉसिबल नहीं है। आप आराम से वहाँ का हॉस्टल फैसिलिटीज़ में, हॉस्टल में आप रोटी सब्जी भी ऑर्डर करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके कॉलेज देती है। तो ये आप ध्यान रखें, और इस तरीके से आप कॉलेज का सिलेक्शन करते समय ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके ही आगे बढ़ें। और अगर किसी के कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, फिर बाद में बोलेंगे सर जहुरुल इस्लाम का कुछ एडमिशन क्राइटेरिया मैं बता दूं, जहुरुल इस्लाम में एडमिशन क्राइटेरिया 70% इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इज मैंडेटरी। 70% अगर आपके मार्क्स नहीं है तो आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं है। 70% अगर आपके मार्क्स नहीं है तो आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं है। कॉलेज के रूल्स रेगुलेशन को हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, और अभी फॉर द टाइमिंग एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज का एप्लीकेशन चल रहा है और ऑलमोस्ट सीट भरने वाली है, तो जिसको भी जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है जल्दी अप्लाई कर लें, क्योंकि जल्द वहां पर पूरा सीट कंप्लीट
भर जाएगा। नेपाल से भी काफ़ी बच्चों का लास्ट ईयर का एप्लीकेशन पेंडिंग था, इनको उन्होंने इस साल एडजस्ट करवाया है। हॉस्टल फैसिलिटी जुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज की, नॉर्मली वहाँ पर इनसाइड में आपका विजिटिंग डाइनिंग लंच ब्रेक लंच डिनर और ब्रेकफास्ट तीनों वहाँ पर सर्व की जाती है कॉलेज कैंपस के अंदर में। बहुत ही क्लीन सा हॉस्टल है, ठीक है, और जो पेरेंट्स हैं वो नॉर्मली 3 बजे से 6 बजे तक ही विजिट कर सकते हैं और पूरे दिन और कोई विजिट नहीं कर सकता। हॉस्टल का जो गेट है 9 बजे तक बंद हो जाता है और स्टूडेंट को 9 बजे से पहले हॉस्टल के अंदर रीच करना है। तो पूरा रेसिडेंशियल है और सीट को मेल फीमेल हॉस्टल अलग अलग है, टीवी जिमनासियम ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो सब तो हैं। तो एक प्रॉपर कैंपस लाइफ है बांग्लादेश में जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज में, और यही जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज को वन ऑफ द डिफरेंट कॉलेज बनाता है। बहुत ही अद्भुत एक कैंपस लाइफ आपको देने का एक्सपीरियंस करवाता है। तो जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज के इस सब पॉइंट्स को आप देखें, और जब कॉलेज का सिलेक्शन कर रहे हो तो ये सब पॉइंट्स को भी आप जरूर कंसिडर करें कि अगर आप ऐसा कॉलेज चाहते हैं जहाँ पर एक कैंपस के अंदर सब कुछ हो और आप सिटी से थोड़ा बाहर में रहना यूज़ पसंद करते हैं और आप थोड़ा ग्रीनरी और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट चाहते हैं, तो जहुरुल इस्लाम इज़ द चॉइस फॉर मेनी स्टूडेंट्स। ये काफ़ी हद तक जो बच्चे ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज के बारे में जानते हैं काफ़ी हद तक ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज वाली फीलिंग दे देता है। और नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ तो ऑलमोस्ट 142 फैकल्टी, तो आपको बताती है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितनी हाई रहेगी, स्टूडेंट टीचर रेशियो कितना हाई रहेगा। तो और आखिरी जाते जाते मैं यही इस वीडियो को मैं बहुत लंबा बनाना नहीं चाहता क्योंकि आज हो सकता है मैं एक और YouTube लाइव के साथ आऊँ, कुछ चीपेस्ट कॉलेज ऑफ बांग्लादेश को लेकर के कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं उस पर भी फिर से आऊँगा, उस प्रोग्राम को भी मैंने आज बनाऊँगा और आप लोगों के सामने रखूँगा सारे अपने पॉइंट्स। बट आज जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज, कल जब मैंने ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज को बनाया था तो बहुत सारे बच्चों का आया था कि सर जहुरुल इस्लाम पे भी एक वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने आज उन सबके डिमांड पे आज जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज का ये बनाया है डिटेल। आप कॉलेज के वेबसाइट पे जाइए, उनके फोटो गैलरी को देखिए, आपको समझ में आएगा कि कॉलेज कितना पुराना और कितना रेपुटेड कॉलेज है। उनका कैंपस का जो फोटोग्राफ्स अगर आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज का और हॉस्पिटल का, ये आपके स्क्रीन पर यूट्यूब पर अगर शेयर हो रही है देखें यूट्यूब के स्क्रीन पर, तो ये देखिए कॉलेज का मेडिकल कॉलेज कितना ज़बरदस्त है, मेडिकल हॉस्पिटल वहाँ पर है, हर तरह का गेम्स गेट टुगेदर चेयरमैन और नर्सिंग इंस्टीट्यूट हॉस्टल पे, ये सारी चीज़ों का यहाँ पर फोटो देखिए। ये कॉलेज ना खुद को बढ़ा चढ़ा करके दिखाता नहीं है, बट कॉलेज का जो फैकल्टीज है वो वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ बांग्लादेश है, और यही रीज़न है कि जहुरुल इस्लाम मेडिकल कम बजट में अच्छा एजुकेशन दे पाता है। ओनली 29 लाख की फीस में विथ हॉस्टल, मेरे ख्याल से बांग्लादेश के बहुत ही कम ऐसे कॉलेज है जो ऑलमोस्ट 30 ईयर हो चुके हैं और इस बजट में अपनी फीस को मेंटेन रखा हो, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज टू स्टडी इन लेस बजट। और पुराना कॉलेज में भी अगर आप देखें तो 28 साल पुराना हो चुका है। सर नेगेटिव पॉइंट GMC का क्या है? नेगेटिव पॉइंट देखिए हर कॉलेज के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव को मैंने डिस्कस किया, उस पॉजिटिव को देखने का नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि ढाका में कई लोग पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट खोजते हैं, तो ढाका में पॉसिबल नहीं है। इट्स लाइक दिल्ली, इट्स लाइक मुंबई, पॉल्यूशन भी रहेगा, भीड़ भी रहेगा, क्राउड भी रहेगा, ट्रैफिक भी रहेगा, बट पढ़ाई भी रहेगा। बट कुछ लोग इसमें एडजस्ट नहीं कर पाते, बच्चों का परवरिश कहाँ पर हुआ है, वो किस शहर से है, वो कहाँ से आया है, ये सब पे भी बहुत इस सब फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि बच्चा आगे कहाँ क्या पढ़ना चाहता है और किस कॉलेज में जाके इजीली एडजस्ट कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात है GIMC जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज का एक नेगेटिव ये बोल सकते हैं कि ढाका से 120 किलोमीटर दूर है, थोड़ा सा रिमोट एरिया में है, मतलब नॉट इन प्रॉपर सिटी, तो उसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि जितने पेशेंट, अगर यही कॉलेज अगर ढाका शहर में होता तो इसके पेशेंट फ्लो ऑलमोस्ट 4 times मोर होते हैं सेम कॉलेज में, क्योंकि इनके इतने अच्छे फैकल्टीज हैं। बट डेफिनेटली ढाका से थोड़ा बाहर होने की वजह से नंबर ऑफ पेशेंट थोड़े कम जाते हैं, थोड़ा सा सिटी के बाहर है, कभी भी वीज़ा और रिन्यूअल के लिए आपको हमेशा ढाका शहर ही आना पड़ेगा। बट एडवांटेज ये है कि आपको एक कैंपस के अंदर सब कुछ मिलता है जो कि ढाका में नहीं मिलता है। तो इस पॉइंट को आप एक नेगेटिव पॉइंट मान सकते हैं जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज का कि भाई थोड़ा सा वो ढाका सिटी से दूर है, एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर दूर है, बट उसको आप पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें ये आपके ऊपर है और ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। तो चलिए आज जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज का बहुत ही बेसिक डिटेल हमने डिस्कस किया, फीस स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, रिक्वायरमेंट को डिस्कस किया। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 70% अगर नहीं है बच्चे के तो उनका जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पॉसिबल नहीं है। तो ये मैं बार बार बताऊंगा, जहुरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपका 70% मैंडेटरी है, बिना 70% के आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में ये पॉसिबल नहीं है कि आप 80 एडमिशन ले सकें। 70% ऑलमोस्ट 70% फिजिक्स केमिस्ट्री अगर बायोलॉजी होगी तभी आप एज्यूम कर सकते हैं कि आपका
मार्क्स उतना आए कि आप आपका एडमिशन इजीली पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो आपके अगर और कोई क्वेश्चन हो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। आज के YouTube लाइव, Instagram लाइव और Facebook लाइव तीनों प्लेटफॉर्म पे हम आए हैं, और आप जरूर शेयर करेंगे जो जो जिस फील्ड में, जिस भी लाइव में आप हैं, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, कि जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करता है। आज मुझे कुवैत से फ़ोन आया था और वहाँ पर एक प्रोफेसर ने मुझे कॉल किया और उसने बताया कि सर आपके वीडियोस मैंने देखे, एंड उसने कई वीडियोस देखे उनके बच्चे का, उनको एक वहाँ पर संस्था चलाते हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू टॉक टू अस सो दैट वी कैन हेल्प द स्टूडेंट्स फ्रॉम कुवैत एंड अदर सिटीज़ टू गेट स्कॉलरशिप इन टू स्टडी इन अदर कंट्रीज़, जिस पे हम लोग रिसर्च करते हैं। तो हमारे इन्फॉर्मेशन से वो काफ़ी खुश हुए, प्रभावित हुए, क्योंकि एस्पायरिंग लाइफ के चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है विथ प्रूफ दी जाती है, हम कभी भी आपको ये नहीं बोलते हमारी फेस वैल्यू पे आप हमें ट्रस्ट कर लें। ठीक है, इसकी फीस कितनी है? टोटल फीस $39,000। जहूरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज का फीस $39,000 टोटल फीस है, जिसका फर्स्ट ईयर में अराउंड $18,200 का खर्चा है, जो कि 16,200 आपको कॉलेज को देना है, 2,000 गवर्नमेंट फीस है। तो बाकी जो है आपको टोटल चार साल में ब्रेक करके देना है। और अगर आपको डिटेल में कॉलेज के लेटर पे फीस चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने डॉक्यूमेंट अपना कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर मांग सकते हैं। कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर को हमेशा लेटर हेड पे मिले तभी भरोसा करें, बिना लेटर हेड वाले कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर को भले वो सही हो आप भरोसा मत करें, क्योंकि कुछ भी इधर उधर किया जा सकता है। कॉलेज के लेटर हेड पे है, कॉलेज को आप मेल करके भी वेरीफाई कर सकते हैं, इज दिस द फीस स्ट्रक्चर। बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर के फीस स्ट्रक्चर को लेकर के भी कंफ्यूज हैं, कि कुछ कॉलेजेस के लास्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर कम दे इस साल बढ़ गए हैं, और उसको वो बोल रहे हैं सर आप फीस बढ़ा के बोल रहे हैं। मैं बार बार बोलूंगा, देखिए कॉलेज का फीस आपको कॉलेज के अकाउंट में देना है। कोई भी कंसल्टेंट अगर आपको बढ़ा के बोल रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसमें इंश्योर कर लीजिए कि कहीं वो अपने अकाउंट में तो लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके के भी बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हैं और हमें बचना चाहिए इस टाइप के इश्यूज को, हम लोगों को समझना चाहिए और सबसे बचना चाहिए, और ये बचना भी आप सबकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और किसी के कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए। आज थ्री प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक साथ लाइव हैं, और MBBS इन बांग्लादेश, MBBS इन इजिप्ट, MBBS इन नेपाल, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी किसी के आते हों वो एस्पायरिंग लाइफ के चैनल को ही याद रखता है। एस्पायरिंग लाइफ इज ड्रीम फॉर एस्पायरिंग डॉक्टर्स। जो भी एस्पायरिंग डॉक्टर्स हैं उनको एस्पायरिंग लाइफ के चैनल पे आकर के उसको रास्ता मिल जाता है, जिस रास्ते में चल करके वो अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। देखिए, जो बहुत सारे बच्चे इंडिया से एग्ज़ाम देते हैं, 16 लाख बच्चों में से 14 लाख बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया, हर बच्चों का सपना पूरा होगा, इंडिया के सीट में मिलेंगे, इंडिया के गवर्नमेंट सीट मिलेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 40,000 अगर गवर्नमेंट सीट है उसमें 20,000 कोटा में चला जाता है, और जनरल कैटेगरी को ओनली 20,000 सीट पॉसिबल मिलता है। तो 4 से 5 लाख जनरल कैटेगरी के बच्चे या 4 लाख के आसपास जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए कोई ऑप्शन नहीं। इवन SC ST OBC में भी इतने कम बच्चों को सीट मिल पाती है कि वो भी बहुत कुछ नहीं कर पाते। तो उनके लिए एस्पायरिंग लाइफ एक सपना, एक होप और एक ड्रीम लेकर के आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कंसल्टेंट होप को दिखा करके गलत भी कर सकते हैं, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी आप किसी को भरोसा करें, एस्पायरिंग लाइफ को भरोसा करें या जिस भी कंसल्टेंट को भरोसा करें, पहले उसकी ऑथेंटिसिटी, उसके अप्रूवल्स, उसकी ऑथराइजेशंस, उसका बैकग्राउंड, उसकी सपोर्ट सिस्टम, सब चीज़ों को चेक करें। और हमारे यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं वीडियो, तो हमारा हाउ टू चूज़ अ कंसल्टेंट एंड व्हाट कंसल्टेंट डोंट वांट यू टू नो, ये दो वीडियोज़ हैं जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ये दो वीडियो को जरूर देखें। फिर कॉलेज आप कोई भी सेलेक्ट करें घूम फिर करके, आपको पढ़ना खुद ही है, अच्छा कॉलेज और बुरा कॉलेज नहीं होता, पढ़ाई आपको अच्छी करनी पड़ती है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप खर्च कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो आप कॉलेज से मैक्सिमम अच्छे से अच्छे टीचर का इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, नॉलेज आपको मिल सके, इसलिए प्रॉपर कॉलेज का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जहूरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज इज़ इन द टॉप 5 लीग ऑफ द बांग्लादेश का जो टॉप कॉलेजेस आते हैं, और जो वहाँ के जो टॉप रैंक होल्डर्स होते हैं जो प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं, वो जहूरुल इस्लाम, अनवर खान, होली फैमिली, ढाका नेशनल, इन सब जैसे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। उन सब में भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको डिस्कस करना पड़ता है, आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। कहीं पर पहला साल का फीस 19 लाख है, अगर आप 19 लाख अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको 13 से 14 लाख ही अफोर्ड कर पाते, तो आपको उस हिसाब से कॉलेज का सिलेक्शन करना पड़ता है। कोई भी चीज़ नंबर 1 पे है वही बेस्ट ऐसा नहीं है। आज नीट में 720 दो लोगों ने लाया, एक का नंबर 1 आया, एक का नंबर 2 आया, इसका मतलब ये नहीं होता कि नंबर 2 वाले को कुछ नहीं आता, बट नंबर 2 भी नंबर 1 से के लेवल पे ही था। बट समहाउ बांग्लादेश में भी कुछ कॉलेज नंबर 1 और नंबर 2 होने के बावजूद सब बराबर ही है, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है, तो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। कहीं पर हॉस्टल का एडवांटेज है, कहीं पर इसका एडवांटेज है, तो आपको कौन सा एडवांटेज चाहिए, आपके लिए कौन सा एडवांटेज ज़्यादा मैटर करता है, उस हिसाब से आप मेडिकल कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को
करते हैं हम ओवर, और जाते जाते आपको ये कुछ फोटोग्राफ्स जो इस्लाम मेडिकल कॉलेज का मैं दिखा देता हूँ आपके यूट्यूब चैनल के स्क्रीन पे, और एडमिशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप हमारे एस्पायरिंग लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बहुत सारे वीडियोज़ हैं हर कॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, उस सारे वीडियोज़ को आप डेफिनेटली देखें। जितना ज़्यादा आप हमारे कॉलेज से रिलेटेड या इंफॉर्मेशन का वीडियोज़ देखेंगे उतना ज़्यादा आपको राइट क्वेश्चन पूछने का तरीका आएगा, आपको कोई भी कंसल्टेंट कुछ भी बोल करके कुछ भी दिखा करके एडमिशन में फूल नहीं कर सकता, क्योंकि एजुकेशन कंसल्टेंट बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन आज गवर्नमेंट ने नहीं फिक्स की है। तो हर बच्चा अपना चार्ट एक ऑफिस खरीद करके बैठ जा रहा है, बोला आई एम एन एजुकेशन कंसल्टेंट, बट बीइंग एन एजुकेशन कंसल्टेंट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स यू वर्क हार्ड, डू रिसर्च, एंड देन ओनली रिप्रेजेंट सम कॉलेजेस। ऐसे ही किसी कॉलेज में हम एडमिशन करा देंगे एज अ ब्रोकर, दिस इज नॉट वॉट वी डू। एस्पायरिंग लाइफ कंसल्टेंट इज द ओनली कंपनी हैविंग देयर ओन रजिस्टर्ड ऑफिस इन ढाका, जहाँ पर बच्चों को जब पैंडेमिक में भी हेल्प चाहिए थी तब भी हेल्प हुआ, और अभी जो बच्चे फाइनल ईयर में लौटे हैं मैं आपको बच्चों का इंटरव्यू भी दिखाऊंगा, सारे बच्चों का फीडबैक भी दिखाऊंगा, जो बच्चे भी फाइनल ईयर का एग्जाम कल से देना स्टार्ट करेंगे उन सब बच्चों को ड्यूरिंग पैंडेमिक हमने कैसे बांग्लादेश पहुँचाया, और पहुँचाने के बाद जब वहाँ पर उतरे वहाँ पर हमारे बंदे वहाँ पर एयरपोर्ट से पिकअप से लेकर के कॉलेज तक पहुँचाना, उनका खाना पीना, उनका कोई भी इशू नहीं हो रास्ते में, ये सारी चीज़ों को इंश्योर किया। ये छोटे छोटे हेल्प से बच्चों का कितना फ़ायदा होता है ये आपको ओवर द टाइम ही पता चलता है। So aspiring life is more like an insurance for the student who want to study MBBS in Bangladesh. तो चलिए आज के लिए बस ये वीडियो इतने रही, जो भी आप अभी जुड़े हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, और शुरू से इस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको जरूर इस्लाम मेडिकल कॉलेज का पूरा डिटेल आ जाए, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज का कैंपस लाइफ, कितने बेडेड हॉस्पिटल हैं, कितने टीचर्स हैं, कैसे प्रोफेसर्स हैं, पढ़ाई कैसी होती है, क्या उसका नेगेटिव है, हॉस्टल कैसा है, इस सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया। अगर आपको लगता है कुछ मैंने कवर नहीं किया तो नीचे कमेंट पे दे दीजिए, अगले बार मैं जब वीडियो बनाऊंगा वो सारे पॉइंट्स भी कवर कर लूँगा। तो चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको जो इस चैनल में जुड़े रहें, आप यूट्यूब में हमारा तो रेगुलर आते रहता है, फेसबुक पर ये पहला लाइव हमारा साथ साथ चला है, और इंस्टाग्राम पर पहले ही लाइव है, तो होपफुली बहुत जल्द इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइबर हमसे जुड़ेंगे और हमें वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आप सबका वो फायदा हो सके, जिससे आप राइट कॉलेज का सिलेक्शन कर सकें। कॉलेजेस के अंदर के बातें, अंदर के पॉइंट्स, अंदर की वो हिडन इन्फॉर्मेशन जो कंसल्टेंट्स आपसे छिपाना चाहता है एस्पायरिंग लाइफ आपको बताता है, यही सबसे बड़ी एस्पायरिंग लाइफ की यूनिक बात है, जिसके कारण आज एस्पायरिंग लाइफ इंडिया का नंबर वन कंसल्टेंट बन चुका है फॉर MBBS इन बांग्लादेश। थैंक यू सो मच ऐसे प्यार के लिए, थैंक यू सो मच ऐसे जुड़े रहें, अगले वीडियो तक के इंतजार करें, थैंक यू।